गाइस यार वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है शाम के 4 और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं लखेना का बाजार, जो कि यार कल का ही बचा हुआ सब्जी है जो नहीं बिक पाया था वही वाला। और आज यार गुरुवार है, लमकीना का बाजार ही रहता है, तो जा रहे हैं और देखेंगे गाइस जो कल का सब्जी बचा है और बिक पाता है कि नहीं। यार आज तो कम रेट में करके बेचना पड़ेगा यार, पिए कि नहीं फिर बाजार में जाके पता चले। और मौसम हाल देख सकते हैं गाइस सामने में, यार पूरा बादल छाए हुए हैं, काला बादल, पानी कभी भी गिर सकता है। इसलिए तो आज हम लोग नहीं गए थे सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि रोज रोज सब्जी बच जा रहा है, पानी गिर रहे। तो ये देखो मौसम पूरा काला हो रखा है, कभी भी गिर सकता है इस साइड भी। गाइस यार पहुंच चुके हैं लमकीना का बाजार, अब चलो गाइस अपना दुकान लगाते हैं यार, आज जल्दी लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सामान है। तो फाइनली गाइस यार अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है। तो गाइस यार देख सकते हैं भाजी से लेकर के यहाँ बैगन तक लगा हुआ है, और बैगन यार 2-3 किलो के लगभग बचा हुआ है, 30 रुपए किलो दे रहे हैं। भिंडी को भी 30 रुपए किलो दे रहे हैं, और बैगन को भी 30 रुपए किलो, और कुंचाई 40 रुपए किलो है, टमाटर 60 रुपए किलो है, आलू को दे रहे हैं 30 रुपए किलो, देख सकते हैं थोड़ा सा ही बचा है, प्याज है 40 रुपए किलो, और वो वाला भाजी पैकेट 10 रुपए पैकेट है, और कद्दू 20 रुपए किलो, और ये देखो थोड़ा सा खीरा बचा है, 15-20 रुपए किलो बेच रहे इसको। तो बस इतना कुछ है, और देख सकते हैं ये देखो इतना ही, और ये देख सकते हैं मार्केट का हाल। मार्केट में वैसे यार कल का बचा हुआ बहुत सब्जी है, ताज़ा ताज़ा कोई कोई लाए हैं, उसके बाद पूरा बचा हुआ सब्जी है, इसका भी कल का ही है, देख सकते हैं पूरा मार्केट लग चुका है, लेकिन अभी ग्राहक का जो 10 रुपए पैकेट कोई से भी ले जाओ, एक एक पैकेट। हाँ पहला बोनी हुआ गाइस, एक तो बस और कुछ खाली फ्रेश है सब, पानी पड़े देखा नाम से कल के ना। आलू 30 रुपए किलो ले आलू, प्याज 40, और टमाटर 50 रुपए किलो हो गए, 50 60 वाले 50, आलू 30 रुपए किलो है। हाँ आज लेना कल का है, लेके कैसे नहीं लेते आज का कठो रख भी। हाँ और कुछ कद्दू है 20 रुपए किलो, एक नंबर लाल मीठा, ₹50 किलो। हाँ ₹10। हाँ ये तू ठीक है, 15 लगा दूँ क्या? ₹40 किलो। तो भाई सर देख सकते हैं बूंदा बांदी फिर से चालू हो गए हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा अपना सब्जी बचा है, देखो बाकी सब्जी ठीक भी क्या, कद्दू भी अभी 6 किलो बचा है कद्दू जो है,
और भिंडी को 30 रुपये किलो ही दे रहे हैं, देख सकते हैं अभी। और ये आ गया उकारी वाला, वसूली करता है सब्जियों का बाजार में भी। ये देखो कद्दू दे दिए करीब आधा किलो के लगभग। जल्दी बेच छोटू, फिर पानी स्टार्ट होते ही। और आलू को 20 रुपये किलो कर दिए ना, ये वाला आलू को थोड़ा सा बचा है उसको, सबको 50 में दे रहे हैं। तो गाइस अपना आलू भी बिक चुका है, सभी आलू को 50 रुपये में दे दिया है, फिर बच जाता है अगर नहीं देते तो। गाइस यार देख सकते हैं मेरा भाजी पूरा बिक चुका है, और प्याज तो नहीं बिक पाएगा यार, प्याज का चलन थोड़ा कम है। और ये देखो कद्दू अपना 2.5 किलो बचा हुआ है, और भिंडी और ये टमाटर तो बिक जाएगा, खीरा भी बिक जाएगा यार। और अपना कद्दू देखो वहाँ पर रखा हुआ है, वो नहीं बिक पाएगा, इतना ही बिक पाएगा, बेच देंगे सस्ता महंगा करके। और बाकी मार्केट भी पूरा तो खाली हो रहा है यार, देख सकते हैं थोड़ा जल्दी खाली हो गया है। और अभी भी अपने पास सब्जी बचा हुआ है थोड़ा, भिंडी भी बिक गया यार, देख सकते हैं भिंडी को ही मलवान में दे दिया, 20 रुपये में ही दे दिया, कम से कम 1.5-2 किलो के आसपास था भिंडी जो है, बेचना था करके दे दिया। तो गाइस यार देख सकते हैं अपना जगह पूरा खाली हो चुका है, मात्र प्याज बस बचा है और कद्दू वो वाला खड़ी खड़ी कद्दू। अब चलो यार मस्त खा लेते हैं, अब क्रेट व्रेट को गाड़ी में करते हैं पैक, फिर सीधा चलेंगे घर। तो फाइनली गाइस यार हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट से घर। और गाइस आज की मार्केट की बात करते हैं यार, आज का मार्केट थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, और बचे हुए सब्जी को लेकर गए थे यार बेचने के लिए, और जितना मांग रहे थे उतना मैं दिया, तब जाके उतना सब्जी बिका यार। और प्याज तो अपना बच ही गया है, प्याज का चलन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। चलो यार अपना हिसाब किताब करते हैं कितने का बिका है, क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, फिर बताता हूँ। हेलो गाइस यार गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल था यार गुरुवार, जो कि गाइस लमकीना का बाजार था, और यार परसों के बचे हुए सब्जी को हम लोग लेके गए थे यार बेचने के लिए, जो कि यार अपना सब्जी बिक गया था, और कद्दू और प्याज नहीं बिक पाया यार, प्याज बच गया था। तो गाइस यार अपना सब्जियों की बात करते हैं, हम लोग लेकर गए थे बुधवार के दिन 13,330 रुपये का सब्जी लेकर गए थे यार, जिसको हमने सेल किया था यार 14,190 रुपये का। तो गाइस अपना प्रॉफिट अभी हो चुका है यार 860 रुपये। तो गाइस यार दो दिन सब्जी बेचकर हमको हुआ 860 रुपये का प्रॉफिट। तो चलो गाइस इतना भी प्रॉफिट बहुत है यार, क्योंकि ना पानी गिर दे रहा है इस समय, और कल तो नहीं आया था यार पानी गिर देगा करके, तो ठीक है यार अपना सब्जी बिक गया, कम से कम इतना प्रॉफिट तो हुआ। और अभी भी यार अपने पास कद्दू और प्याज बचा हुआ है, जो कि कद्दू और प्याज बचा है वो आज बिक जाएगा, आज शुक्रवार है बेलपान का बाजार ही रहता है। तो चलो गाइस यार आज भी आ चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, और क्या क्या रेट में लेंगे यार सब्जी, और क्या रेट में बेचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय श्री राम गाइस।